हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी चीज़ें अपनी लाइफ में अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है कैंसर सोल ट्राइब के दिसंबर 2023 में लव लाइफ के बारे में, कि दिसंबर 2023 यानी कि 2023 जाते जाते दिसंबर में कैंसर पीपल को लव एस्पेक्ट में क्या देखे जाने वाला है। सो इसके रिगार्डिंग रीडिंग रहने वाली है और मल्टीपल डेक से ही रीडिंग होगी। तो सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं दिसंबर 2023 के लिए। प्लीज गाइड कीजिए। ओहो, कैसे गिर रहे हैं कार्ड्स, कैसे भाग रहे हैं भाई। ठीक है, सबकी बारी आएगी, ऐसी क्या बात है। ठीक है, सो ये हैं कार्ड्स, इनको देख लेते हैं एक बार। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, गुड, वाओ, द एम्प्रेस, वेरी गुड, पेज ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। जस्टिस तो सभी को मिल रहा है भाई, यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, दिल खोल के जस्टिस दे रहा है। द हैंग्ड मैन, ओके, जजमेंट, वाओ, आपको जस्टिस के साथ भाई जजमेंट भी मिल रहा है कैंसर पीपल, क्या बात हो गई है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ठीक है, ये आपके कार्ड्स हैं जी। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड होता है उसको मैं समझाना चाहूंगी। ये एट वॉन्ड्स हैं, वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि एक्शन लेने वाली एनर्जी होती है वॉन्ड्स की। और एट एट वॉन्ड्स कितना, जैसे कहते हैं, तेजी के साथ एक ही दिशा में फोकस्ड है कहीं ना कहीं। सो लव लाइफ के बारे में अगर बात हो रही है तो कैंसर पीपल, आप मुझे ढेर सारा एक्शन टेकिंग एनर्जी में दिख रहे हैं और आप फोकस्ड हैं। जो भी आपके मन में इंसान है, जिसके भी प्रति आप फील करते हैं, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, आपका फ्यूचर पार्टनर भी हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए जो सिंगल हैं, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, कमिटेड रिलेशनशिप हो सकती है, मैरिड लाइफ का पार्टनर हो सकता है, सब तरह के पार्टनर हैं यहाँ पे, सब तरह का कलेक्टिव एनर्जी पिक हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक्शन टेकिंग एनर्जी में हैं, कि चीज़ों को आप कहीं ना कहीं ठीक करते हुए मुझे दिख रहे हैं और आप फोकस्ड हैं इस रिलेशनशिप को लेके, फोकस्ड हैं, आपका फोकस है बिल्कुल कि हाँ ठीक है, दिस इज द पर्सन एंड दिस इज द रिलेशनशिप, हाँ यही है। तो उसमें कोई कोई कंफ्यूजन मुझे नजर नहीं आ रहा है। और जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है, अगर तो आप जेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं आप इस तरह का पार्टनर आपने अट्रैक्ट किया है। आप अभी उसको ऐसा फील कर पा रहे हैं या नहीं वो अलग बात है, ठीक है, या जो लोग कहीं ना कहीं इस जर्नी में है कि हाँ एक पार्टनर उनकी लाइफ में आने वाला है, तो इस तरह का पार्टनर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल एम्प्रेस की जैसी जो पर्सनैलिटी होती है ना, अब जरूरी तो नहीं है कि रियल में कोई एम्प्रेस हो भाई, अब कितनी एम्प्रेसेस हैं यहाँ पे इंडिया में या कहीं भी वर्ल्ड में, लेकिन एक एनर्जी होती है इंसान की, ठीक है। कोई इंसान ना राजा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है वो, हाँ, कोई कोई लेडी होती है उसका एटीट्यूड बिल्कुल क्वीन जैसा होता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इस तरह की लेडी, लेडी लव, लेडी लक आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपकी लाइफ को भी, जिसे कहते हैं, गुड ऑमेन से भर देगा, यानी आपके जीवन में भी काफी कुछ अच्छा होगा इस इंसान के आने से। या हो सकता है करंटली आप इनसे मैरिड हों, ठीक है, इनसे कमिटेड हों, तो ये वो लेडी लव है, लेडी लक है आपकी लाइफ में। आप फील करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपकी चीज, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ों की वजह ये लेडी है। अगर आप लेडीज़ हैं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टनरशिप में, आप अपनी लव रिलेशनशिप में ऐसा जरूर फील करेंगे 2023 के दिसंबर में, कि आप बिल्कुल एक रानी हैं। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको बिल्कुल एक रानी के जैसा फील कराएगा, ठीक है। ये सारी फीलिंग्स ही तो हैं, कभी हम अच्छा फील करते हैं, कभी बुरा फील करते हैं, है तो हमारे ही पास, ठीक है। और इसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स और ये एम्प्रेस, ठीक है। अब जिसके पास एम्प्रेस है भाई, हाँ, जिसके पास इतनी इतनी बड़ी ताकत है, जिसके पास इतना अच्छा पार्टनर है, ठीक है, जेंडर वाइज नहीं जा रहे हैं, जिसके अंदर, जिसके पास इतना अच्छा पार्टनर है, ठीक है, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में तो वो रहेगा ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बरकत लेके आएगा, कुछ जिसे कहते हैं नए अवसर मिल जाना, कुछ नई पॉसिबिलिटीज का खुल जाना, कुछ न्यूनेस आ जाना लाइफ में, फाइनेंसेस को लेके भी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा या है, तो आपके फाइनेंसेस भी इस पे डिपेंड करते हैं। इसका एनर्जी, इसका ओरा कुछ इस तरह का है, एम्प्रेस वाला ओरा है कहीं ना कहीं, कि जहां भी ये इंसान जाएगा या जाएगी,
ये आपके पार्टनर के बारे में बात हो रही है, तो ये वहां पे जो है बरकत, जिसे कहते हैं ना घर भर देना, खुशियों से भी घर भरेगा और पैसे से भी घर भरेगा या भरेगी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आप इसको ऐसे देख सकते हैं। देन भाई कार्ड आए हैं, जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, हैंग्ड मैन का कार्ड है, हाँ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स हैं और फाइव ऑफ सोर्ड्स हैं। ये कुछ इस तरह के कार्ड्स हैं कि इनको इकट्ठा ही मुझे पढ़ना पड़ेगा। सो जस्टिस का कार्ड क्यों आया भाई लव लाइफ में? सो कैंसर पीपल, कहीं ना कहीं 2023 में ऐसा तो कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, वो आप रेजोनेट करेंगे, रिलेट करेंगे। मुझे नहीं पता है किस पर्टिकुलर के साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये तो एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव एनर्जी यही है कि कुछ ऐसा हुआ है भाई जिसके लिए जजमेंट भी सर्व की जा रही है और साथ में जस्टिस भी, ठीक है। सो ये जजमेंट है उस इंसान के लिए जिसने, जिसे कहते हैं ना जजमेंट का कार्ड होता है कि एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है कहीं ना कहीं, और अब जजमेंट का, जिसे कहते हैं कयामत का दिन आ जाना, वो भाई कयामत का दिन आ गया है आपकी लव रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं तो हो सकता है ये अच्छे के लिए आया हो सकता है किसी अच्छे इंसान को आपकी लाइफ में लाने के लिए आया हो सकता है किसी को आपकी लाइफ से विदा करने के लिए आया हो, क्योंकि कोई चीज अगर नहीं चल रही है, कोई चीज अगर आपने कोशिश करके देख ली है हर तरीके से, एक रिलेशन है जो नहीं चल रहा है, एक पार्टनरशिप है जो फ्लरिश नहीं हो पा रही है एम्प्रेस जैसी एनर्जी में, ठीक है, जो लाइफ में बरकत नहीं दे पा रही है, झगड़े झमेले ही जिसमें ज्यादा हो रहे हैं, तो यूनिवर्स भी कहता है कि ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को सर्व नहीं कर रहे हैं, मैंने तुम दोनों को टाइम दे के देख लिया है, तो अब मैं जजमेंट कर देता हूँ और जो सही है उसे रिवॉर्ड दूंगा और जो गलत है उसे पनिशमेंट दूंगा। तो कहीं ना कहीं कैंसर पीपल, मुझे नहीं पता 2023 में ऐसा क्या हुआ है कि 2023 की एंडिंग में कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल भी आप कंप्लीट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और जरूरी नहीं है कि एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और जजमेंट सुनाई जा रही है तो वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है आप दोनों अपने ढेर सारे लेसन सीखें इस चीज से, जो भी हुआ है इससे आप लेसन सीखें कि हमने ये गलतियां की हैं, ये मेरी गलतियां हैं, ये तुम्हारी गलतियां हैं, और रिलेशनशिप हमारा वो ही पुराने वाला रिलेशनशिप ही बिल्कुल अच्छा हो जाए, हम बिल्कुल फोकस्ड हो जाए इस चीज पे कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब जो है हमने इन चीजों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ भी बहुत सारे लोग अपने इश्यूज को रिजोल्व करते हुए और स्विफ्टली और तेजी से और फोकस के साथ रिजोल्व करते हुए यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता है मोस्टली, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अच्छा इंसान और बुरा इंसान, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि अच्छे इंसान ही बुरे बन जाते हैं और बुरे इंसान ही अच्छे बन जाते हैं, और हर अच्छे इंसान के अंदर भी कुछ बुराई होती है और हर बुरे इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। सो लोगों को ऐसे हमें जज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी जिसे कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र होते हैं, हमारी दशाएं चलती हैं, महादशाएं चलती हैं, और कलेक्टिव कार्मिक लेवल पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं यही, क्योंकि मैंने इस तरह का पिक किया है कि आपका, जिसे कहते हैं आप भी उस चीज में हैं कि ठीक है, मैंने इसे प्यार किया, इसने मेरे को ऐसे किया ऐसे किया, तो इसको जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो आप उस तरह से ना सोचें। भगवान ने जिसका जो सोचा है, जो होना है वो हो जाएगा, आप अपना कर्मा ना बढ़ाएं, ठीक है। अगर तो वो इंसान डेस्टाइंड है आपकी लाइफ में से जाने के लिए, तो या तो चला गया होगा या चला जाएगा, आपने उसमें बीच में नहीं पड़ना है। और अगर वो इंसान डेस्टाइंड है आपकी लाइफ में रहने के लिए और आपको कोई लेसन सीखना है उससे, तो वो आप सीखेंगे, क्योंकि जजमेंट के कार्ड जो हैं इस तरह की एनर्जी ही पिक कराते हैं। या तो आप लेसन सीखेंगे पॉजिटिव वे में और रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर लेंगे, या लेसन सीखेंगे नेगेटिव वे में और रिलेशनशिप टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं कह सकती हूँ किसके लिए क्या होगा, ये तो ऊपर वाले का, जिसे कहते हैं रहम है और कर्म है, कि वो क्या जजमेंट करेगा। और जजमेंट हमारे कार्मिक्स पे भी डिपेंड होती है कि भाई हमें, हमारे साथ किस तरह का जजमेंट किया जाएगा, उस इंसान को हमारी लाइफ में रखा जाएगा, उसमें सुधार आएगा या हम सुधरेंगे, रिलेशन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। पर हाँ ये है कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है, इस टाइम पे आप अगर अच्छे डिसीजन लेंगे तो रिलेशनशिप जरूर इम्प्रूव हो जाएगी, और अदरवाइज आप समझदार हैं,
और जस्टिस का मैंने इसलिए बोला है कि आपने जस्टिस को अपने हाथों में नहीं लेना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूं, नहीं, आपने जो है अपना प्योर एनर्जी में रहना है, कहीं ना कहीं आपको इस नाइट की एनर्जी में रहना है, ठीक है, नाइट ऑफ सोल बनना है आपने, इसको भगवान पे छोड़ देना है, इस जस्टिस को। जस्टिस तो आजकल हर रीडिंग में भाई इतना ज्यादा हो रहा है, लाइक हैवी कार्मिक हम सबने जैसे काट लिए हैं, और भगवान कह रहा है कि अब मैं जस्टिस करूंगा सबके साथ ना, सबका जिसे कहते हैं ना ऑडिट ऑडिट कर दूंगा सबका, सब सब बही खाते क्लियर कर दूंगा, और नए सिरे से फिर मैं तुम लोगों को अपनी कहानी लिखने का मौका दूंगा कहीं ना कहीं। सो आपने रहना है नाइट ऑफ सोर्ड्स में, आपने ये बदले की भावना और ये वो इस तरह से नहीं रहना है, कुछ नया लाइफ में तभी आएगा ना। अब ये भी स्विफ्टनेस की एनर्जी होती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, तो आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है कैंसर पीपल, आप वैसे ही दिसंबर 2023 में अपनी लव लाइफ में भी और इन जनरल भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं चीजों को छोड़ के, क्यों, कहीं ना कहीं ये जजमेंट सर्व हो गया है और आप भी आगे बढ़ गए हैं। अब कार्ड आया हैंग्ड मैन का, सो हैंग्ड मैन को कैसे समझें, अब ये जो चीज है ना, ये जजमेंट वाला जो कार्ड है, ठीक है, आप चाहे तो इसे गाइडेंस समझ लें, और कुछ लोग रिलेट करेंगे कि हाँ उन्होंने ऐसा रियल में फील किया है। अब जब 2023 में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि 2023 सभी लोगों के लिए इतना मुश्किल इमोशनली क्यों रहा है, फाइनेंशियली भी रहा होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन इमोशनली बहुत बहुत हैवी रहा है, वो क्यों रहा है उस पर अलग से एक वीडियो होगा, ठीक है। तो जजमेंट कहीं ना कहीं, जब जजमेंट का कार्ड आया, इस तरह की एनर्जी मैंने पकड़ी है, सो इसका मतलब होता है कि एक हैवी कार्मिक साइकिल से तो भाई आप गुजरे हैं, हो सकता है ये कार्मिक साइकिल 10 साल पुराना हो, ठीक है, और 3-4 साल पुराना तो पक्का है। सो जब आप इससे गुजरे हैं 2023 में, तो कहीं ना कहीं आपको बात समझ में आई है कि मुझे ऐसे गुजरना है, यानी कि परिस्थितियां तो मेरी खराब हैं, ठीक है, ठीक है, और हूं तो मैं बहुत परेशान, और मैं अपने पार्टनर से भी बहुत परेशान हूँ, उसने भी मुझे समझा नहीं है कहीं ना कहीं 2023 में, या मुझे अकेला छोड़ दिया है, या कुछ ब्रेकअप्स हुए हो सकते हैं, कुछ हार्ट ब्रेक्स, कुछ बिट्रेल्स, ढेर सारी चीजें होती हैं भाई दो लोगों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, और इल्जाम लगाने वाला इस तरह का सीन काफी रहता है। तो आपने उसको ना एक हैंग्ड मैन की तरह से कि ठीक है भाई सिचुएशन तो मेरी बुरी है, लेकिन हंसते हुए उसे काटा है आपने, हंसते हुए उसे झेला है। सो कहीं ना कहीं तभी ये हुआ है, जब आप हंसते हुए अपना काट लेते हैं ना कोई चीज, मन में कोई वैर भी नहीं लाते हैं, मन में कोई भावना भी नहीं लाते हैं, मन में कोई ऐसी भावना भी नहीं लाते हैं कि इसको इसके कर्मों की सजा मिले, तो सजा फिर मिलती है और जजमेंट होता है। तो जिसने भाई आपको खून के आंसू रुलाए हैं ना भाई, उसके साथ भी जस्टिस होगा कहीं ना कहीं, तो इसकी तो आप कोई चिंता ही मत करना, और आप जो है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, लव लाइफ में भी मुझे इसी एनर्जी में आप रहने वाले हैं। हैंग्ड मैन क्या होता है कि चीजों को उनके फ्लो के हिसाब से होने देना, और कंप्लीटली इन टू द मोमेंट रहना, और चीजों को इंजॉय करना। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में इस तरह का मैं परसीव कर पा रही हूँ, और ये है 5 of Swords। अब ये किसकी एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं उस इंसान की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। 5 of Swords का जो कार्ड होता है वो बताता है कहीं ना कहीं कि एक ऐसा लव एंगल था, एक ऐसा लव एस्पेक्ट था लाइफ में। अब क्योंकि ये लव की रीडिंग है तो अब लव एस्पेक्ट ही बोलेंगे इसको, एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था, वो लेडी भी हो सकती है भाई, जेंट्स भी हो सकते हैं, हर तरह के लोग हैं दुनिया में, जेंडर बाइस्ड नहीं है ये रीडिंग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टैरो की रीडिंग है तो सिर्फ लेडीज के लिए है, सबके लिए है। मेरे सोल ट्राइब में बराबर बराबर के मेल और फीमेल है, और हर एज ग्रुप के लोग हैं। सो ये एक ऐसा लव एस्पेक्ट था, एक ऐसा लव एंगल था आपकी लाइफ में, कि आप एक ऐसे इंसान के साथ थे कि जो हर हाल में जीतना चाहता था, हो सकता है उसने जीतने की चाह में कहीं ना कहीं आपको भी खो दिया है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसे इंसान से आप प्यार कर बैठे थे भाई कभी, हो सकता है अभी भी कर रहे हो और सब कुछ चीजों को समझ रहे हो सकता है कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में, अगर आप अभी भी इसमें उलझे हुए हैं, पर आप एक ऐसे इंसान के साथ पास्ट में लव रिलेशनशिप में थे जो बहुत डोमिनेटिंग था, जिसके लिए इमोशंस का ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं था, जिसके लिए जीतना, अपनी जीत, अपने ईगो की जीत कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उस इंसान को ये भी समझ नहीं आया कि इस जिद में ये एक, जिसे कहते हैं फितूर हो जाना, ऑब्सेशन जीतना, उसने एक अपने पार्टनर को ही हार दिया, उसको ये चीज समझ भी नहीं आई है अभी, उसको ये चीज समझ नहीं आई है अभी, ठीक है। सो जिसने भी आपको खो दिया है भाई, तो ज्यादा लौट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से ही होना था, क्योंकि भाई या तो आप उसके लिए नहीं बने हुए थे, या वो आपके लायक नहीं था, जो भी था, जैसे भी था, आपने अपना लेसन सीख लिया है, ठीक है, आपने अपना लेसन सीख लिया है, ठीक,
आप आगे बढ़ गए हैं, आप बहुत अच्छी एनर्जी में बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं, और आपको बहुत अच्छा सा कुछ आपकी लाइफ में, अगर अभी कोई सही पार्टनर नहीं मिला है तो बहुत अच्छा सा कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। और थैंक यू कीजिएगा भगवान को कि अगर ये रिलेशनशिप लाइफ में नहीं है अभी, ठीक है। सो इसने जो लेसन सिखाए हैं उन पे गौर कीजिएगा, इसके साथ जो नेगेटिविटी अटैच है उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। सो ये इंसान जिसको कदर नहीं थी आपके इमोशंस की, जिसको सिर्फ अपने जीतने पे, अपनी जीत पे, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट में जीत जाना, कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखा देना, तो देख लेना ये इंसान भी बिल्कुल अकेला ही आप इसको पाएंगे। जस्टिस इसको भी सर्व किया जाएगा। जो भी इंसान चतुर बनता है, तेज बनता है, उसको लगता है कि मैं भगवान से भी तेज हूँ, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो सब कुछ देखता है। और इसके बाद है, दो एनर्जीज हैं यहाँ पे, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो सेवन ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले ये देखिए इंसान कितनी शिद्दत से लगा हुआ है, अपने पेंटिकल्स को ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, आपके लव एस्पेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं। सो कहीं ना कहीं अब आप जो भी एनर्जी दे रहे हैं, क्यों आप एक अच्छे इंसान यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, जो बड़ी शिद्दत से रिलेशनशिप में लगा हुआ है, बड़ी शिद्दत से अपनी पार्टनरशिप को निभा रहा है, और बड़ी अच्छी सी हेल्दी एक्सपेक्टेशंस, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस वो रख रहा है कि ठीक है, इतना अगर मैं इस रिलेशनशिप में दे रहा हूँ तो ठीक है, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से फ्लरिश होगी। हर हाँ, ठीक है, डिवाइन भी आपको कह रहे हैं कि हाँ ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से फ्लरिश होगी, हैव फेथ, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, कहीं ना कहीं आपको एक्शन टेकिंग क्वीन भी यही कह रही है कि हाँ आप सही दिशा में हैं, आपके एक्शन बिल्कुल सही है, पुरानी चीज़ों को आप पीछे छोड़ आए हैं, उनके साथ जजमेंट होके जस्टिस सर्व कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो इसके बाद हम एक तो गाइडेंस लेते होते हैं ओशो से। ओके, फ्लावरिंग का कार्ड आया है, गुड, वेरी गुड, एंड राइपनेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, आपके प्यार का फल पक गया है और अब वो आपको मिल जाएगा। और जब कोई चीज पक जाती है, आप पेशेंस के साथ वेट करते हैं, तो पेशेंस का जिसे कहते हैं अपना ही मजा है, और पके फल को खाने का अपना ही मजा है। तो जो आप जिस भी चीज से गुजरे हैं 2023 में, तो कहीं ना कहीं उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू था। ऐसा नहीं था कि चीजें ऐसे ही हो गई थी, आउट ऑफ द स्काई हो गई थी, वो भी कुछ सिखाने के लिए आई थी आपकी लाइफ में, कुछ आपको मैच्योर करने के लिए, ग्रो करने के लिए ही हुआ था सब कुछ, ताकि आप राइपनेस की एनर्जी के साथ जाएं फ्लावरिंग की एनर्जी में। और ये ना डेक्स डिफरेंट है, आपको बताऊंगी, डेक्स डिफरेंट है, अदरवाइज ये दोनों कार्ड एक ही हैं, फ्लावरिंग और एम्प्रेस, ये अलग अलग डेक के एक ही कार्ड हैं। सो इस तरह की फ्लावरिंग आपके लव रिलेशनशिप में है, इसे क्लेम कीजिएगा। और ये इस तरह की एनर्जी आपकी लाइफ में 2023 दिसंबर लेके आ रहा है, और क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। और दो गाइडेंसेस हम लेंगे मून से। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, समझाऊंगी इसको, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अब देखिए, इस डेक को थोड़ी ना पता था कि इस वाले डेक में ये वाले कार्ड्स आए हुए हैं, तो ये जजमेंट तभी तो हुई है ना भाई, जब हुआ है एंड ऑफ टफ कार्मिक साइकिल, साइकिल हुआ है कहीं ना कहीं एक क्लोज, और तभी तो हुई है जस्टिस। बीच में थोड़े ना आके जस्टिस सर्व करते हैं भगवान, देखते हैं ना, एक टाइम पीरियड देते हैं ना कि मैं इतना इतना देखूंगा, 10 साल देखूंगा इस चीज को, या 10 महीने देखूंगा, उसके बाद मैं जस्टिस करूंगा, ठीक है। सो मून ने भी आके वही बात बोल दी है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब आपका कंफर्ट जोन क्या बना हुआ है, अभी समझाती हूँ आपको। ओके, सो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, हाँ मिल गया, ये जो इंसान है ये आपका कंफर्ट जोन बना हुआ है कहीं ना कहीं, आपको पता भी है ठीक नहीं था, गलत था, ठीक है, और लेकिन फिर भी बुला नहीं पा रहे हैं, फिर भी दिल से हटा नहीं पा रहे हैं। भाई सीखो, इससे लेसन सीखना था वो लेसन सीखो, इसको छोड़ो, अब मूव ऑन करो इस वाली कंफर्ट जोन से, इसको आपने कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, इससे बाहर निकलो। और देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि क्या है। हाँ, इट इज अप टू यू। तो एंजल तो ये बोल रहे हैं कि सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया, सब बता दिया, और सब तुम्हारे को पता है कौन क्या था, कैसा था, कैसा वो रिलेशनशिप था, ठीक है। अब उसी में पड़े रहोगे तो भाई ठीक है, 2024 भी फिर वैसा ही रहेगा जैसा 2023 था। सो इट इज अप टू यू कि आपको जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं भाई, उनको ग्रैब करो और रिमेन पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना है।
आपने नेगेटिव नहीं हो जाना है पुरानी नेगेटिव चीज़ों को याद करके, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव जो एक्सपीरियंस हुए हैं उनको याद करके आपने नेगेटिव नहीं रहना है, आपने पॉजिटिव रहना है। सो कैंसेरियन पीपल, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं क्योंकि आपका जो सनसाइन है उसका एलिमेंट ही है वाटर, और वाटर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को, क्योंकि आपके इमोशन जब आप बहुत इमोशनल होते हैं तो आंसू बहाते हैं ना, कभी वो खुशी के आंसू होते हैं, कभी दुख के आंसू होते हैं, कभी तो समझ भी नहीं आता है कि किस चीज़ के आंसू हैं। सो कैंसर पीपल तो है ही पूरा का पूरा सोल ट्राइब, काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी इमोशनली इन्वेस्टेड रहते हैं रिलेशनशिप्स में। तो ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी सी दिसंबर की ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंसेज हैं। ओशो ने भी कितनी अच्छी गाइडेंसेज दी हैं हमारे को, मून ने आके हमारे को दोबारा से बहुत अच्छी गाइडेंसेज दी हैं। तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी रीडिंग को और कमेंट करके बताइएगा कैसे आपने रेजोनेट किया है मेरी रीडिंग के साथ। और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई कैंसर पीपल हैं तो आप उनके साथ और इस तरह की वो सिचुएशन से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं तो उनके साथ इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल अगर आप इस तरह का कंटेंट फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं। सो इस पॉजिटिव से नोट पे आज की रीडिंग ख़त्म करती हूँ और आपके लिए प्रेयर करती हूँ, और गॉड ब्लेस यू ऑल।